हम करने जा रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि इससे पहले हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ा था, उसमें तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O पढ़ लिया था, नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ चुके हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड NO भी पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसकी सबसे पहले हम करेंगे प्रिपरेशन, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 एंड प्लस O2 लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जी, देन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, देन इट डिकम्पोज इनटू लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलोंग विद ऑक्सीजन। यानी लेड नाइट्रेट को हीट करने से भी ये हासिल कर सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसी तरह से अगर हम कॉपर को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करते हैं तो उस सूरत में भी बनता हमारे पास कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर और प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से कॉपर को जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सूरत में कॉपर नाइट्रेट बनता है, वाटर बनता है और प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, ये दो प्रिपरेशन है हमारे पास, एक लेड नाइट्रेट से हम हासिल कर सकते हैं, दूसरा कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ ऐड करते हैं तो सूरत में कॉपर नाइट्रेट वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हासिल। इसकी कुछ प्रॉपर्टी और रिएक्शन में जब हम देखते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज जब हम देखते हैं क्योंकि ये बेटा जी एक्चुअली ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडेशन के नतीजे में ऐसा होती है कि जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हैं तो सूरत में 2NO2 और इसका कलर जो है ना वो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन और ये गैसेस में होती है। इसको अगर हम इसको कूलिंग करें इसकी तो ये NO2 लिक्विड बनता है और इस लिक्विड में कुछ शामिल हो जाते हैं N2O4 और ये येलोइश लिक्विड बनते हैं क्योंकि ये कलर वैसे थे जिस वजह से इसके कलर को थोड़ा सा बदहम कर देते हैं। ओके जी, और इसको मजीद अगर हम कूल करें और तकरीबन -196 सेल्सियस तक तो ये N2O4 देता है और ये कलरलेस सॉलिड होता है। और इसको अगर हम 140 तक हीट करें तो ये 2NO2 देता है। देखिए ये अगर इसको 1620 सेल्सियस तक हीट करें तो तब ये
2NO प्लस O2 देखते हैं। तो इट मीन ये हमारे पास एक्चुअली रेडिश ब्राउन गैस है, इसको ठंडा करते हैं तो ये मतलब लिक्विड में भी तब्दील हो सकती है और सॉलिड में भी तब्दील हो सकती है। जब ये लिक्विड में तब्दील होती है तो इसका कलर येलोइश लिक्विड होता है, लेकिन इस सूरत में NO2 के साथ साथ N2O4 भी मौजूद होता है और इसके क्योंकि ये कलरलेस होता है इसका ब्राउन कलर होता है, तो ये इसके कलर को मधम कर देते हैं जिसकी वजह से रेडिश ब्राउन से ये येलोइश लिक्विड बन जाता है। और पर ये कलरलेस सॉलिड में तब्दील हो जाता है N2O4 और इसका बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कोई कलर नहीं होता। लेकिन अगर इसको हम हीट करें 140 पर तो दोबारा ये NO2 में तब्दील होता है, और NO2 को 620 पर हीट करें तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाती है। दूसरा ये कि हमारे पास इसकी जब हम कम्बशन देखते हैं, तो एक्चुअली जैसा पहले हम पढ़ चुके हैं कि NO2 जब इसको हम कम्बशन हीट करते हैं तो ये तब्दील हो जाती है इसमें 2NO में और प्लस ऑक्सीजन में। इस ऑक्सीजन की वजह से ये कम्बशन शो करती है और पर्टिकुलरली हमारे पास फास्फोरस है और इसको जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस सूरत में ये P2O5 बनाते हैं, P2O5 बनाते हैं प्लस 5NO नाइट्रिक ऑक्साइड, P2O5 और प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये है इसका कंबशन। अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो NO2 वाटर के साथ रिकवरेबल सॉल्युबल होती है और इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो ये हमारे पास बनाते हैं नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड HNO3 एंड HNO2। सो व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड is treated with water in the absence of air, then it forms two compound, nitric acid and nitrous acid. That is finally oxidized into nitric acid. But in the presence of air, तो ये NO2 जब react करवाती है in the presence of air, तो इस सूरत में ये 4HNO3 तो ये बनाती है कि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिक एसिड हासिल होता है। सो व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द एब्सेंस ऑफ एयर देन इट फॉर्म टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एक्चुअली नाइट्रस एसिड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, नाइट्रिक एसिड्स में। ठीक है, ये अल्कलीज के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ये अल्कलीज जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड है इसके साथ जब रिएक्ट करती है तो सूरत में ये बनाती है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट एंड प्लस H2O। तो यानी व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद अल्कलीन सॉल्यूशन देन इट फॉर्म नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट अलोंग विद वाटर। सिमिलरली व्हेन इट रिएक्ट विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट आल्सो फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्राइट एंड प्लस H2O। तो ये है जब ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है अल्कलीज तो सूरत में नाइट्रेट भी बनते हैं और नाइट्राइट्स भी बनते हैं। लास्ट में है कि ये जब क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसे जब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करती है तो उस सूरत में ये H2S के साथ रिएक्ट करती है फेरोसल्फेट के साथ। व्हेन इट रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट देन इट ऑक्सीडाइज H2S इनटू सल्फर,
ferrous sulfate into ferric sulfate and potassium iodide into iodine. G as oxidizing agent. एक चीज यहां से देखें कि जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अमल करती है तो इट मीन इटसेल्फ इट रिड्यूस, तो ये खुद क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहां पर इसको पहले समझ लें कि इसका ऑक्सीडेशन NO2 में प्लस फोर है, तो ये किसी ऐसे ऑक्साइड में तब्दील होगी जिसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इससे कम हो, तो इसलिए अमूमन ये ऑक्सीडाइज हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड्स में, सॉरी ये रिड्यूस हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड्स में। तो NO2 जब H2S के साथ रिएक्ट करती है तो उस सूरत में ये एक तो बना देती है H2O, ये दो हाइड्रोजन एक इधर से एक ऑक्सीजन निकल लेते हैं, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है और प्लस क्या बन जाता है, सल्फर बन जाता है। इसी तरह से ये जब पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करती है तो उसको भी क्या कर देती है, ये ऑक्सीडाइज कर देती है, लेकिन खुद क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इटमीन ये NO2 ये हमारे पास एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अमल करती है, तो H2S को क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है और खुद क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये है बेटा रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ऑक्सी एसिड करेंगे।